हम सबने देखा है कि टेक्नोलॉजी टाइम के साथ पुरानी होती जाती है और धीरे धीरे हमको नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना पड़ता है और वो अच्छा भी लगता है। अब 2020 कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो यहाँ पे हमको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट पंच होल देखने को मिला है। 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो हमको कम प्राइस रेंज में देखने को मिल गया। 65 वोल्ट की चार्जिंग जो है वो हमको 15,000 रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिल गई। मतलब काफी सारे इनोवेशन थे और यहाँ पे जो DSLR में आई ऑटो फोकस होता है वो भी हमको वीवो V20 सीरीज में देखने को मिल गया। तो बहुत सारे इनोवेशन भी हमको यहां पे देखने को मिले। अब हम पूरा एकदम सज धज के तैयार बैठे हैं 2021 के ट्रेंड के लिए कि बेसिकली ये क्या होने वाला है। अब यहां पे सीधी सी बात फिक्स ही है कि यहां पे 2021 का जो ट्रेंड होगा वो 5G पे फिक्स्ड होगा। 5G स्मार्टफोन हमको बजट रेंज में आते हुए देखने को मिलेंगे 10,000-12,000-15,000 रुपए की प्राइस रेंज में, जो काफी एक कमाल की चीज हो जाएगी। और जो मेन कॉन्सेंट्रेट होगा ना वो यहां पे परफॉर्मेंस पे रहने वाला है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत आगे जा रही है। और वहीं जो फोल्डिंग फोन्स का ट्रेंड है वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ने वाला है और आगे आने वाले टाइम्स में हमको देखने को मिलेंगे ये फोल्डिंग फोन 40-50,000 रुपए की प्राइस रेंज में। उसके बाद जो फास्ट चार्जिंग है वो 100 वोल्ट की, 120 वोल्ट की, ये हमको देखने को मिलने वाली है। तो ये भी एक कमाल की चीज हो जाएगी। तो 2021 से हमारी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों को थोड़ा सा सहारा देने के लिए, उम्मीदें कायम रखने के लिए, बेसिकली मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जनवरी में लॉन्च होने वाले कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स की जो काफी कुछ अपने साथ लेके आएंगे और जिनके लिए डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि नया साल है और नए साल में नई नई टेक्नोलॉजीज हैं और यहां पे पैसे भी बिल्कुल एकदम वैल्यू फॉर मनी वाले होंगे। तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल एकदम जटिलताओं से जुटा ली गई है, तो एक लाइक तो बनता है वीडियो पे। और उसके बाद अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा नाम है अरविंद, आप देख रहे हैं टेक मास्टर। चैनल को लो सब्सक्राइब और उसके बाद कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं आपसे रियलमी की, और रियलमी की जो सबसे अवेटेड सीरीज है अभी इंडिया में वो रियलमी X7 सीरीज है, जो हमको कंफर्मली जनवरी के महीने में देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहला स्मार्टफोन होगा रियलमी X7, जो बेसिकली हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को लेके आएगा। 64 मेगापिक्सल का हमको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा, इसमें डिजाइन भी काफी कमाल का होने वाला है और इसी के साथ डायमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर होगा। अब इसकी जो प्राइस होगी वो ऑलमोस्ट हमको 22,000 के ऑलमोस्ट देखने को मिलने वाली है और ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है, तो ये काफी कमाल चीज बन जाती है। और वहीं जो दूसरा स्मार्टफोन होगा इस सीरीज का रियलमी X7 प्रो, ये भी हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ यहां पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को लेके आएगा, 120 प्रेजेंट को सपोर्ट करेगा, ये काफी कमाल की चीज है। और इसी के साथ हमको डायमेंसिटी 1000+ वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो 7nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और ये इतना बेस्ट प्रोसेसर है कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल रेंज की हमको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। ये भी एक 5G चिपसेट है, मतलब काफी कमाल चीज रहने वाली है। और 65 वोल्ट की चार्जिंग हमको दोनों फोन्स में ही देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ इसकी जो ऑलमोस्ट प्राइस होगी वो हमको 25,000 देखने को मिलेगी और दोनों ही फोन हमको देखने को मिलेंगे जनवरी के महीने में। तो इनके लिए आप वेट कर सकते हो। अगर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट चाहिए और 65 वोल्ट की चार्जिंग, 64 मेगापिक्सल का कैमरा और इसी के साथ डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर, तो काफी कमाल की सीरीज आपके लिए हो सकती है। और उसके बाद जो इस साल की सबसे अवेटेड सीरीज रही वो थी रेडमी नोट 10 सीरीज, और ये हमको जनवरी के महीने में देखने को मिलेगी। मैंने ऑलरेडी आपको एक डेडिकेटली वीडियो बना के बताया हुआ है कि जिसमें क्या क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा आई बटन में। तो बेसिकली जो रेडमी नोट 10 होगा वो भी हमको डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर पे देखने को मिलेगा। यहां पे IPS LCD डिस्प्ले के साथ आएगा ये, इसमें एमोलेड वगैरह कुछ नहीं होने वाला है। और इसी के साथ हमको देखने को मिलेगा ये ऑलमोस्ट 15,000 की प्राइस रेंज में 5G चिपसेट, तो ये काफी कमाल की चीज हो जाएगी। और वहीं जो रेडमी नोट 10 प्रो होगा ना वो आएगा यहां पे स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर पे, जिस पे मोटोरोला G5G आया है और 20,000 के अंडर की प्राइस रेंज में आया है। तो सेम प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जहां पे हमको चाइना में देखने को मिलता है रेडमी नोट 9 प्रो 5G। अब सेम वही फोन रिब्रांडेड होके आने के चांसेस हैं यहां पे रेडमी नोट 10 प्रो 5G के नाम से। तो इसमें हमको देखने को मिलेगी अगेन एक पोको X3 जैसा देखने को मिला है, बिल्कुल सारी चीजें वैसी की वैसी होंगी, बस प्रोसेसर में हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे जो होगा स्नैपड्रैगन 750G और ये एक 5G चिपसेट है। और उसके बाद जो अगली स्मार्टफोन सीरीज है वो है सैमसंग गैलेक्सी S21 लाइनअप। इसमें हमको तीन स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, सैमसंग गैलेक्सी S21, S21 प्लस और उसके बाद S21 अल्ट्रा। तीनों ही स्मार्टफोन अपने आप में बिल्कुल फ्लेक्सिबल रेंज की पावर लेके आएंगे और जो S21 अल्ट्रा होगा उसमें तो हमको डेडिकेटली S पेन भी देखने को मिलेगा, तो ये चीज भी काफी कमाल की है। तीनों ही फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाले हैं। और अगर आपसे इसकी पावर को डिस्कस करूं तो बेसिकली इसमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो लेटेस्टली लॉन्च हो और सबसे ग्रेट प्रोसेसर है अगर मैं एंड्रॉइड सिस्टम की बात करूं तो। और वहीं
जो इंडियन मार्केट है उसमें हमको देखने को मिलेगा एक्सिनोस का प्रोसेसर एक्सिनोस 2100, और इन तीनों ही फोन्स की जो प्राइस है वो हमको 60,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक देखने को मिल सकती है, और ये हमको जनवरी लास्ट में देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट 29 जनवरी को इसका लॉन्च हो सकता है। और उसके बाद जो अगला स्मार्टफोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी A52। अब यहां पे ये सैमसंग का सबसे मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है, तो इस पे सैमसंग बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ने वाला है। स्नैपड्रैगन 750G होगा, इसमें कोई एक्सिनोस का प्रोसेसर नहीं होने वाला है, ये भी एक 5G बेस्ड स्मार्टफोन होगा, सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले के साथ आएगा, साइड माउंट एंड फिंगरप्रिंट होगा, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा होगा, और इसमें हमको 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसकी जो प्राइस है वो हमको ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज देखने को मिल सकती है। और उसके बाद जो अगला स्मार्टफोन है वो भी बेसिकली एक सीरीज है, ओप्पो रेनो 5 और 5 प्रो। अब बेसिकली दोनों ही फोन हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो ओप्पो रेनो 5 होगा उसमें हमको फ्लैट एजेस देखने को मिलेंगी, और जो ओप्पो रेनो 5 प्रो होगा उसमें हमको कर्व्ड एजेस देखने को मिलने वाले हैं। दोनों ही 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएंगे, और आपसे अगर मैं इसमें बात करूं ओप्पो रेनो 5 की, तो ये आने वाला है अपने स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर पे, जो सेम हमको OnePlus Nord में देखने को मिला है, Vivo V20 Pro में देखने को मिला है, और अगेन जो ओप्पो रेनो 5 प्रो होगा वो Dimensity 1000 प्लस प्रोसेसर पे आएगा। इन फोन की भी प्राइस हमको 30,000 से 40,000 के बीच में देखने को मिल सकती है दोनों ही फोन्स की। और उसके बाद अगेन एक Realme का स्मार्टफोन जिसमें आएगा Realme V5। हो सकता है कि ये एक रिब्रांडेड वर्जन हो, जहां पे चाइना में गया था Realme 7 5G जो था ना वो हमको रिब्रांडेड होकर देखने को मिले यहां पे Realme V5 के रूप में, क्योंकि इसमें हमको देखने को मिलने वाला है 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी है, 30 वोल्ट की चार्जिंग है, Dimensity 720U वाला प्रोसेसर है, जो अगेन एक 5G चिपसेट है। मैंने आपको जैसे बोला है ना कि 2021 जो होगा ना उसे सारा झुकाव 5G फोन्स पे ही होने वाला है, और ये भी हमको 15,000 रुपए की प्राइस रेंज में चीपेस्ट 5G इंडिया में देखने को मिलेगा Realme V5। और उसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन और अपना जो लास्ट अपकमिंग स्मार्टफोन है ना वो है Find X3 सीरीज। इसमें हमको Oppo Find X3 और X3 Pro देखने को मिलेगा, दोनों ही फोन स्नैपड्रैगन 888 पाने वाले हैं, मतलब काफी कमाल की पावर होगी, और इसके साथ हमको देखने को मिलने वाला है IMX766 जो सोनी की तरफ से सबसे लेटेस्ट सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, तो ये काफी कमाल की चीज बन जाएगी, मतलब कैमरा तो इसका हाईलाइट होने वाला है। और उसके बाद हमने हमेशा देखा है जो Oppo की Find X सीरीज है ना वो हमेशा एक ट्रू फ्लेक्सिप होती है, तो इसमें हम 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगी हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, और इसकी जो प्राइस होगी वो हमको 60-70,000 के ऑलमोस्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें ही बिल्कुल ट्रू फ्लेक्सिप वाली डाली जाएंगी। तो बस यार ये इतने सारे स्मार्टफोन हैं जो जनवरी के महीने में लॉन्च हो सकते हैं, और उसके बाद हो सकते हैं यानी ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन ही जनवरी के महीने में लॉन्च होंगे, और भी बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जिनका मैं जैसे जैसे लीक्स आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा, और उसके लिए आपको डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके जाना है, और उसके बाद अगर आप चैनल पे पहली बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद करना है बेल आइकन को प्रेस। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।